हैं कि हमारे पार्टी के संविधान में संशोधन को लेकर कई सवाल उठे हैं। अभी तक ये प्रस्ताव के रूप में है, अभी तक प्लीनरी ने इसको अपनी स्वीकृति नहीं दी है, पर फिर भी क्योंकि सवाल उठे हैं कि ये क्या प्रस्ताव है, इसका महत्व क्या है, और जो मौजूदा संविधान है उसमें ये संशोधन लाने की कारण क्या है, क्यों हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं इस प्लीनरी में, इन सभी प्रश्नों को लेकर मैं समझता हूँ और कोई उचित व्यक्ति नहीं है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो इस समिति के कन्वीनर हैं, जो पिछले एक हफ्ते से इन प्रस्तावों पर इस समिति में विचार विमर्श हुआ है और अभी एक मसौदे के रूप में प्लीनरी के सामने रखा जाएगा। तो पहले मैं सुरजेवाला जी से गुजारिश करूंगा कि इन प्रस्तावों पर कुछ जानकारी और दें आपको, और उसके बाद आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब सुरजेवाला दीजिए देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे पार्टी के संविधान के संशोधन तक ही सीमित है, इसके अलावा और कुछ सवाल हैं मैं अलग से लूंगा, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन प्रस्तावों पर हम सवाल लेंगे। रणदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी। आप सब साथियों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में आखिरी बार संशोधन 17 नवंबर 2007 को हुआ था और इसे फाइनली 19 और 20 दिसंबर 2010 को हमारी प्लेनरी ने मंजूर कर लिया था। तो 2007 नवंबर के बाद अब हम 2023 में हैं। बहुत सारे नए प्रांतों का गठन हो गया, हमारी AICC की मेंबरशिप कई गुना बढ़ गई, राजनीतिक हालात बदल गए, प्रदेश देश की जनसंख्या बहुत मात्रा में बढ़ गई और कई नए यूनिट्स का गठन हो गया। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने ये उचित समझा कि श्रीमती अंबिका सोनी जी के नेतृत्व में एक विशेष कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी का गठन किया जाए, जहां भिन्न भिन्न साथियों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, दूसरे लोगों ने समय समय पर जो सुझाव दिए हैं ये कमेटी वो सारे सुझाव जो पिछले कुछ वर्षों में आए हैं ये देख ले। आदरणीय सोनिया जी का भी यही मत था। श्रीमती अंबिका सोनी जी के नेतृत्व में ये कमेटी ने डिटेल डेलिब्रेशंस की और लगभग छोटे और बड़े समेत, कई कॉमा फुल स्टॉप्स भी हैं, 85 संशोधन हैं जो अनुमोदन के लिए इस 85वें महाअधिवेशन में रखे गए हैं। जैसा मैंने महाअधिवेशन को भी बताया, आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे, इसके कई पहलू हैं और मैं आपसे केवल 5 या 6 बड़े पहलुओं की चर्चा करेंगे और फिर हम आपसे सवाल लेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जब वो कांग्रेस की अध्यक्षा थी और उदयपुर में हमारी विशेष बैठक हुई, राहुल जी ने जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद भी, और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, उनका यह मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई क्रांति के ध्वजवाहक का आगाज करने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे मुख्य संशोधन जो है वो समाज के अनरिप्रेजेंटेड वर्गों को जरूरी तौर से आरक्षण देने का हमने अपने संविधान में किया है। PCC डेलीगेट्स, ब्लॉक डेलीगेट्स, जिला डेलीगेट्स, AICC मेंबर्स, सभी पदाधिकारी हर स्तर पर ये संशोधन हम लेकर आए हैं जिसका अनुमोदन महाअधिवेशन करेगा।
कि 50% आरक्षण अनुसूचित जाति आदिवासी भाई, सो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इन चार वर्गों के लोगों के लिए, इन चार श्रेणियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50% पद आरक्षित होंगे। इसके साथ साथ दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन। पहली बार कांग्रेस ने, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, खड़गे साहब कहते आए हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के मायने हैं कि उदयपुर डिक्लेरेशन में दो बड़े प्रस्ताव पारित हुए थे कि कांग्रेस में आधे लोग 50 अंडर 50 होंगे, वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, तो 50 अंडर 50 प्लस महिलाएं एज ए सेपरेट कैटेगरी, उनका रिजर्व्ड कैटेगरी में भी 50% हिस्सा होगा और बाकी 50% जो बचे उनमें भी उनके लिए 50% यानी कुल का 25% वहां भी आरक्षित होगा। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन है। तो अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, इनके अंदर भी आधी रिजर्वेशन इन वर्गों के साथ साथ इन वर्गों में से 50 अंडर 50 और महिलाओं की होगी, और जो बाकी 50% हैं जो अनरिजर्व्ड, अगर मैं ये शब्द यूज करूं, उनमें भी आधी पोस्ट्स 50 अंडर 50 और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तो उनमें से भी 25% हो गई, समझ लीजिए ओवरऑल 100% की किटी का। ये सामाजिक न्याय का कि क्रांति का एक नया आगाज है जो किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। दूसरा संशोधन है आधुनिकता के साथ कदम ताल मिलाने का। अभी तक सब राजनीतिक दल समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पेपर मेंबरशिप करते हैं, हमने इस बार डिजिटल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट किया था और जयराम जी ने उसे बड़ा तफसील से देखा। लगभग हमारी 60-70% मेंबरशिप डिजिटल हुई, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए 1 जनवरी 2025 और उसके बाद जो हर चुनाव होगा, पार्टी का जो सारा डेटा होगा वो केवल डिजिटाइज होगा, वो केवल डिजिटल फॉर्मेट में होगा, नो पेपर फॉर्मेट्स। इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट इज ऑल्सो इन ट्यून विद द टाइम्स। संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक क्लियर डिलिनिएशन की आवश्यकता थी, तो कई प्रांत मंडल कमेटी बना लेते थे, कोई ग्रामीण कमेटी बना लेता था, किसी प्रांत के अंदर पंचायत समिति के स्तर की कमेटी थी, तो कुछ इस प्रकार की भिन्नताएं आ रही थी। इसलिए अब हमने निर्णय किया है कि हमारा यूनिट बड़ा क्लियर होगा। नंबर एक, बूथ इज द यूनिट, दैट रिमेन्स ए प्राइमरी यूनिट, पहले भी वही था। उसके बाद पंचायत कांग्रेस कमेटी, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत जगह गांव और पंचायत में अंतर है, तो इसलिए पंचायत डिलिनिएटेड यूनिट है, वो डिफाइंड है हर प्रांत में, तो पंचायत कांग्रेस कमेटी। उसके बाद इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी, कहीं उसे जनपद बोल देंगे, वो पीसीसी की मर्जी है, कहीं उसे मंडल बोल देंगे, कहीं वो किसी और नाम से बोल सकते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो बूथ से लेकर और प्रदेश तक एक क्लियर डिमार्केशन करने की व्यवस्था हुई है। चौथा, समय बदल गया और बदलते समय में ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जिसे हम कहते हैं, वो एक और कैटेगरी है। ये भी सच है कि कोई व्यक्ति, हम हमेशा पिता का नाम देते हैं, पर अगर कोई मां का नाम देना चाहे तो उसके लिए हमारे फॉर्म्स में प्रावधान नहीं था। हम हमेशा पति का नाम लिखते हैं, अगर पति हो तो वो पत्नी का नाम क्यों नहीं लिख सकता। तो ये सारे संशोधन जो महत्वपूर्ण हैं, प्रगतिशील हैं, ये किए हैं। राजीव जी ने स्थानीय निकायों को, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिए थे। कांग्रेस और दूसरे दल भी अब अपने अपने सिंबल्स पर बहुत जगह लड़ते हैं,
तो जहां जहां सिंबल्स पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव लड़ते हैं और जीतते हैं, अगर कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन चुना गया है या स्टेट मार्केटिंग सोसाइटी का या कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन चुना गया है, महिला हो या पुरुष, तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हो जाएंगे। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे वो भी पीसीसी के डेलीगेट्स अपने आप बन जाएंगे। जिला पंचायत मेंबर इत्यादि इसी प्रकार से जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स के प्रेसिडेंट्स हैं वो अपने आप डीसीसी के डेलीगेट हो जाएंगे, और इसी प्रकार से ब्लॉक में। तो जो चुने हुए कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से सीएलपी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, वो ऑटोमेटिक पीसीसी के डेलीगेट नहीं थे अब तक, तो उन सबको भी रिकॉग्नाइज करके पीसीसी का डेलीगेट बनाया गया है। लगातार ये महसूस किया गया कि जनसंख्या बढ़ गई है, कांग्रेस की मेंबरशिप भी कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई, परंतु कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य उतने ही हैं। 8 डेलीगेट्स पर एक सदस्य चुना जाता है एआईसीसी का, उसे हमने कम करके 6 किया है, ताकि कांग्रेस के इलेक्टेड एआईसीसी मेंबर्स की संख्या में लगभग 450-450 मेंबर्स का इजाफा हुआ है, और ज्यादा लोगों को मौका मिल पाएगा, नुमाइंदगी होगी। कॉप्टेड 15% ऑफ इलेक्टेड थे, कई ऐसे सेक्शंस हैं जो रह जाते हैं, तो इसलिए 15 से उसे बढ़ाकर 25% किया गया है। जब एआईसीसी के मेंबर बढ़ गए, कॉप्टेड मेंबर्स बढ़ गए, तो स्वाभाविक तौर से सीडब्ल्यूसी की संख्या पिछले लगभग 30-35 साल से, जो मैंने हमारे वरिष्ठ साथियों से पूछा, वो 23 नंबर पे रोक रखी है। 23 मेंबर्स विल बी ऑफ सीडब्ल्यूसी प्लस कांग्रेस प्रेसिडेंट प्लस चेयरपर्सन और लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, दे आर ऑटोमेटिक मेंबर्स। तो इसलिए हमने उस 23 को बढ़ाकर 35 कर दिया। 35 में से 18 इलेक्टेड होंगे, 18 में से आधे आरक्षित होंगे, 35 में आधे आरक्षित होंगे। 35 में 50% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी यूथ विमेन इन कोटा से आएंगे, ताकि उनको सीडब्ल्यूसी के अंदर भी नुमाइंदगी दी जा सके। बाकी 17 पहले भी नॉमिनेट किए जाते थे, अब भी नॉमिनेट किए जाएंगे। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऑटोमेटिक सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है पहली बार। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट्स, लोकसभा राज्यसभा में जो हमारे लीडर साहिबान हैं, वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं हैं, तो अब ये सारे लोग भी ऑटोमेटिक सीडब्ल्यूसी के मेंबर होंगे। इन दिनों में कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है, तो उसको हमने फॉर्मल रिकॉग्निशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। कांग्रेस की सदस्यता की फीस भी 5 रुपया से बढ़ाकर 10 रुपया की है, जो रिकमेंडेशन स्टेट से होकर आई थी, और थोड़ी थोड़ी फीस एआईसीसी मेंबर डीसीसी पीसीसी की बढ़ाई। ये कुछ संशोधन है। हम सबका ये मानना है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये संशोधन अगर ये महाअधिवेशन मंजूर कर लेता है, तो अपने आप में ये एक नए इतिहास की संरचना होगी, और पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा कांग्रेस का संविधान, कि किस प्रकार से समाज के सब वर्गों के साथ न्याय हो। धन्यवाद। शुक्रिया रणदीप जी, आपके सवाल प्लीज। हाँ जी, एक एक करके, एक एक मैं आऊंगा। हाँ हेलो रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि ईवीएम को लेके लगातार मुद्दा बनता रहा है, और आपके राजनीतिक प्रस्ताव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी सहयोगी दलों को भी आप लोगों को साथ लेना होगा, इसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे पार्टी संविधान के संशोधन के बारे में है, प्लीज उसके अलावा और कोई सवाल मत पूछिएगा। मेरा हमारे संशोधन के बारे में अगर आपके सवाल हैं आप पूछिएगा। हाँ जी रणदीप जी मेरा एक सवाल। एक मिनट मैं आऊंगा, सबको मौका मिलेगा। हेलो यार रणदीप जी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी सेज दैट एवरी मेंबर बिफोर अज्यूमिंग द मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी विल एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स।
Has there been an amendment to this clause? As Jairam ji briefed you, we have recognized the realities that there are many other form of intoxicants that are prevalent now in our society. So if I may say, in terms of onwards march and a responsibility towards the society, we have expanded the clause further. And we have said, which is yet to be approved, he, she abstains from use of psychotropic substances, prohibited drugs, and intoxicants. So we've gone many, many steps further. Haji, one second, Sunil. Baba intezaar kar rahe hain, Sunil. Mic dijiyega unko, please. Jaldi, dod ke. Sunil ji, I have read the constitution, I've read your amendment also. I'm asking very specifically, have you removed alcoholic drinks? Sunil ji, you are from Karnataka, also far better read than me, and I'm from Haryana. I give you credit for knowing English language far better than me and its interpretation. Intoxicants means not only alcohol, but it may also, in my and Jairam ji's opinion, those extreme form of jardas which cause cancer may also be added here, in addition there too. Neither of us fall in that category, thankfully. ये बात आप हिंदी में भी कहेंगे और दूसरा खादी का भी एक प्रावधान था, क्या वो है या उसको भी आपने हटाया है? बाबा, जो हमने संशोधन किया है, जिस प्रकार से देश, दुनिया और समाज तीनों में बदलाव आया है, उसमें अब ड्रग्स, प्रोहिबिटेड ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और अलग अलग तरह के नशे, वो एक ही नशा नहीं बचा, अब अलग अलग तरह के नशे आ गए हैं. हमने इस संविधान में थोड़ा इसे और आगे बढ़ाया है बदलते समय के साथ, और कहा है कि अब, क्योंकि पहले अगर आप साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस लेते थे तो कोई प्रोहिबिशन नहीं थी संविधान में, प्रोहिबिटेड ड्रग्स पर भी कोई नहीं थी, तो हमने इसे और एक्सपैंड करके इसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, प्रोहिबिटेड ड्रग्स और हर प्रकार की नशे की चीज को शामिल किया है. जहां तक खादी का प्रश्न है, कांग्रेस और खादी, जब तक कांग्रेस है तब तक खादी है, जब तक देश है तब तक खादी है, उसको हटाने का प्रश्न ही नहीं पैदा. हाँ जी, बस रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि जो 35 मेंबर किए हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, वो इसी बार से लागू होंगे या इसके लिए 1600 को तो आप ICC डेलीगेट्स पहुंचने के बाद उसको लागू करेंगे? आदरणीय मित्र, ये जब तक संविधान में संशोधन पारित नहीं हो जाता, जिस दिन से संशोधन पारित हो जाएगा उस दिन के बाद ये कांग्रेस अध्यक्ष पर निर्भर है इमीडिएटली. मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर से, और मैंने और जयराम जी ने इस पर चर्चा की, द डे कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड इट अप्लाइज इमीडिएटली फ्रॉम दैट टाइम. कॉन्स्टिट्यूशन डजंट से इट अप्लाइज फ्रॉम ए फ्यूचर डेट, इट विल इमीडिएटली अप्लाई. हाँ जी, यहां माइक दीजिएगा आगे. वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर. वन मिनट. अरे यार, माइक थोड़ा जल्दी आओ ना. आगे अमरीश. धन्यवाद. ये जो कम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ी है कास्ट कम्बिनेशन की, और खासतौर से सोशल इंजीनियरिंग, हमने उदयपुर में भी देखा इस तरह का जब बयान आया था, और अब यहाँ आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो कास्ट कम्बिनेशन है और ये फार्मूला है, क्या पार्टी को लगता है इसके जरिए वो खोया हुआ वोट बैंक हासिल करेगी? क्या सोशल इंजीनियरिंग है इसके पीछे, इस सोच के पीछे? ये जो प्रावधान है इसके पीछे समाज की नुमाइंदगी है. जो हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं, जो 50% रिजर्वेशन है उसके अंदर भी 25% उनके लिए है, और 25% पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए. जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी मिले, ये सोच है कांग्रेस की लीडरशिप की, ये सोच है कांग्रेस के साथियों की. और वो राजनीतिक भागीदारी अगर
मैं आपको सरकारी नौकरी में दे सकता हूं। नौकरी किस लिए? एडमिशन में दे सकता हूं, पढ़ाई में दे सकता हूं, तो फिर राजनीतिक दल के अंदर वो भागीदारी क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए और युवा और महिला, उनके बारे में राहुल जी शायद हजारों बार बोल चुके हैं, और ये भागीदारी सुनिश्चित हो इसलिए पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद को पहल करनी पड़ेगी अपने संगठन में, तब हम कहेंगे बाकी समाज को कि हाँ महिलाओं के लिए, 50 से कम के नौजवानों के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। हाँ मौसमी सर, ये वन मैन वन पोस्ट वाले अमेंडमेंट का क्या हुआ चिंतन शिविर में जो टेम्पलेट दी गई थी? जो संशोधन है वो आपके सामने है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में कोई वन मैन वन पोस्ट का इस समय विवाद है। हाँ जयनेंद्र सर, देश भर में आपने एक तो वर्टिकल आरक्षण दिया है और एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया है, तो फिर सीडब्ल्यूसी में केवल वर्टिकल आरक्षण का ही प्रावधान क्यों किया गया है? बाकी कमिटियों की तरह ही, यानी नीचे से ऊपर तक की तरह ही, सीडब्ल्यूसी में भी आधी सीटें महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं की गई हैं? हेलो, मैंने शायद आपने सुना नहीं, सीडब्ल्यूसी में भी आधी सीटें आरक्षित हैं दलित भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आदिवासी साथियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, और महिलाओं और युवाओं के लिए भी। और सीडब्ल्यूसी जो है उसके 18 मेंबर जो इलेक्टेड हैं उनमें अलग से भी हमने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है। हाँ जी सर आपका, सर इधर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर। सर आपने उदयपुर रिजोल्यूशन को बहुत अडॉप्ट किया, उसमें एक पॉइंट ये भी था जो हम लोग, क्योंकि उदयपुर में थे हम लोग भी, आपने एक बात ये रखी थी कि वन फैमिली वन टिकट, क्या उस पर भी उस संशोधन को भी रखा गया क्या 85 संशोधनों में से एक में? और क्या उस पर अगर नहीं रखा गया तो आगे विचार करेंगे क्या आप लोग? उसको संविधान में रखने की आवश्यकता नहीं, इट्स ए पॉलिसी दैट कांग्रेस पार्टी हैज अडॉप्टेड। और अगर आप वो पढ़ें उदयपुर डिक्लेरेशन, मैंने ध्यान से पढ़ा है, और आप तो हमारी बीट फैमिली का हिस्सा हैं, उसमें हमने ये कहा है कि अगर किसी परिवार का दूसरा सदस्य 5 साल से पार्टी में काम कर रहा हो तो फिर हम ये शर्त उस पर नहीं लगाएंगे। ये पार्टी जब टिकटें आपटन करती है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, पर वो हमारी पॉलिसी है। हाँ जी, लाल कमीज वाले थे अनिल जी। सर एक सवाल बस, सर आपने ट्रांसजेंडर्स की, हेलो सर, या सॉरी सर, सर आपने ट्रांसजेंडर्स की बात की तो थोड़ा आप इलाबोरेट कर पाएंगे कि उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पार्टी में? आदरणीय साथी, अभी तक सब राजनीतिक दलों के फॉर्म्स जो हैं वो male/female, बहुत सारे थर्ड जेंडर जो है वो अब पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट तक रिकॉग्नाइज्ड है। व्हाई शुड थर्ड जेंडर नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी? नंबर टू, जस्ट वन सेकेंड, देर आर मेनी चिल्ड्रन हु ओनली हैव मदर, से सिंगल पेरेंट फैमिलीज, दे चूज टू राइट फॉर देम द मदर इज द फादर, मदर इज द मदर, मदर इज द ग्रैंड मदर, मदर इज द ग्रैंड फादर, मदर इज देयर एंटायर फैमिली। इफ आई एम one such person and I want to be member of the Congress party, the earlier form or all political party forms say you have to tell your father's name. Why can't I tell my mother's name only? So all these things which are due with the changing times we have done. Haan ji, Arun Singh. Randeep ji, एक वक्त था आपकी पार्टी में एक महासचिव 5 राज्यों का प्रभारी हुआ करता था जी। राहुल गांधी ने कहा एक व्यक्ति को एक पद देंगे, एक परिवार को एक टिकट देंगे, और उसकी वजह से कुछ हो सकता है उसमें इधर उधर हुआ होगा, लेकिन अब एक राज्य का प्रभारी एक ही महासचिव हो रहा है अधिकतर। एक व्यक्ति एक पद उदयपुर संकल्प की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, उस पर आप खामोश हैं, मौन हैं, कुछ भी आपके रेजोल्यूशन में है नहीं, क्या पार्टी ने छोड़ दिया ये संकल्प? नहीं मेरे साथी, मैंने जैसा बताया वन फैमिली वन टिकट की, अभी एक और हमारे आदरणीय साथी ने चर्चा की, मैंने दोबारा उदयपुर डिक्लेरेशन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। बहुत सारी बातें हैं जो पार्टी की नीति का हिस्सा हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो पार्टी के संविधान का हिस्सा हैं। हमारी आइडियोलॉजी
उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे कि आपने वो सब बातें संविधान में क्यों नहीं लिखी, पर जब आप कांग्रेस का नाम लेंगे तो महात्मा गांधी की सोच अपने आप उसके अंदर केंद्रित हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें पॉलिसी का हिस्सा हैं और वो हम पॉलिसी के अंदर लागू करेंगे। हाँ जी सूरजवाला जी, ये जो आप नए संविधान के प्रस्ताव का संशोधन अगर पास हो जाता है तो क्या जो आगामी 9 विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं क्या उनमें टिकट वितरण में इसका ध्यान दिया जाएगा? आदरणीय मित्र, ये टिकट वितरण के लिए नहीं है संशोधन, आपको बहुत जल्दी हम सर्कुलेट करेंगे। ये पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं, ब्लॉक डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी मेंबर्स, ब्लॉक ऑफिस बेयरर्स, डीसीसी ऑफिस बेयरर्स, पीसीसी ऑफिस बेयरर्स, एआईसीसी ऑफिस बेयरर्स, ये उनके लिए। हाँ जी मैडम। सर निशा, ये जो लोग राजनीतिक हवा देख करके दल बदल करने की कोशिश करते हैं या कराने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा, कैसा रिएक्शन रहेगा या एक्शन लिया जाएगा? जी, उदयपुर डिक्लेरेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें बाकायदा हमने लिखा था कि अगर कोई हमारी पार्टी में आना चाहे तो स्वागत है, परंतु कुछ मापदंड हैं जिस पर उनकी काबिलियत को आंका जाएगा। हाँ जी रणदीप जी, मैं दिनेश शुक्ल हूँ INS 24/7 से। मेरा सवाल ये कि जिस सोशल इंजीनियरिंग की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब आपकी सरकारें हुआ करती थी उस समय जो सोशल इंजीनियरिंग चलती थी उसको छोड़कर अब ये जो संवैधानिक सोशल इंजीनियरिंग जो है जिस पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जातिगत सरकारें बनी, चाहे वो सपा ने बनाई हो चाहे बहुजन समाज पार्टी ने बनाई हो, उस ओर कांग्रेस बढ़ रही है क्या? देखिए आदरणीय मित्र, वो क्या करते हैं दल ये उनकी मर्जी है, पर मैंने जैसा आपको बताया कि कांग्रेस हैज ऑलवेज इवॉल्व, कांग्रेस ने हमेशा बदलते वक्त की जरूरियात के साथ खुद को बदला है, समय की मांग और देश की जरूरियात के साथ बदला है। सच्चाई ये है के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, इनकी जरूरत, इनको प्रतिनिधित्व की जरूरत है, नए नेतृत्व की जरूरत है, उस नेतृत्व निर्माण के लिए ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और अगर आपका इशारा पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की तरफ है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, कांग्रेस के आज 3 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से 2 पिछड़े वर्गों से हैं, समेत छत्तीसगढ़। Mr. Surjewala, in the CWC provision for the former congressmen, prime ministers and presidents, is it plus 35 or within the 35? No, sir. If the number originally was 23 plus Congress president, as I clarified, plus chairperson of the Congress parliamentary party. So it is 23 to 35 and then plus. Let me, sir, repeat myself. Hello. The original provision says 23 members, 12 elected, 11 nominated by the Congress president. Right, sir? Plus, automatically, Congress president, chairperson of the Congress parliamentary party will be members of the CWC. That has now been amended to say the number 23 will go up to 35, 18 will be elected, 17 will be nominated. Plus Congress President, plus Chairperson of the Congress Parliamentary Party, plus Congress Prime Minister or former Congress Prime Minister or Prime Ministers, plus former Congress Presidents, plus leader of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Thank you. Sir, ये जो 50% के reservation की सर इधर, सर ये जो 50% के reservation की आप बात करें उसमें भी क्या कोई mechanism होगा, क्योंकि आपने कहा कि 4 वर्ग हैं जिनको आप representation देना चाहते हैं, क्योंकि reservation के मामले में भी अगर OBC की बात करें तो कहा जाता है कि कुछ पिछड़ी जातियों को ज्यादा फायदा मिला और बाकियों को नहीं मिला, तो उसका कोई mechanism है कि उन चारों में फेयर कैसे होगा? विजय जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए 50% 50% ऑफ दिस 50% इज रिजर्व फॉर SC ST, as I said, the rest, that means 25% of the total kitty goes to SC STs, 25% goes to OBC minorities, but the horizontal reservation comes into play in all these, where 50 under 50 and women have to be given representation.
इस अच्छे प्रश्न के साथ हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी।